स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट होती है। अब तक हमने जो कुछ भी स्टडी किया था उसमें एक जनरल आइडियाज डिस्कस किए थे, एरर्स के बारे में हमने जनरल चीजें ली थी, लेकिन फिजिक्स का बेसिक्स हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है जो आगे बहुत हेल्पफुल होता है हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एज वेल है। फिजिक्स का इनिशियल जो फर्स्ट 2-3 यूनिट्स हैं उनका जितना अच्छा हमारे पास एक्सपोजर होगा, जितना अच्छा हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिजिक्स उतना इजियर होता जाएगा और कैसे हम उसको और इजियर वे में ले सकते हैं ये सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से वाइडली डिस्कस करेंगे। और बहुत वाइड डिस्कशन के बाद फिर देखेंगे कि फिजिक्स कितना इजी होता है किसी को, दैट इज कोई स्टूडेंट जो ये समझता है कि फिजिक्स इज टू टफ तो ये उसका बहुत गलत सोचना होगा। इसके बाद आप सभी अपने विचार को बदल लोगे और आप आसानी से समझ पाओगे कि फिजिक्स कितना रियलिस्टिक है, दैट इज कितना रियलिस्टिक अप्रोच के साथ हम चीज़ों को लेते हैं और डेली लाइफ में कैसे उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं तो अब उन सब मिसकंसेप्शंस को भी हम यहाँ इजीली रिमूव कर पाएंगे। दैट मीन अब हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल से और इनिशियल में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना बहुत ही अच्छा टॉपिक, वो है काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स को हम वाइडली डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, 1 डायमेंशन मोशन में, 2 डायमेंशन मोशन में और वेक्टर्स में। लेकिन हम स्टार्ट सबसे पहले करेंगे वेक्टर्स के साथ जो बहुत इंटरेस्टेड पार्ट है, दैट इज वेक्टर के साथ अब स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला टॉपिक लेते हैं वेक्टर्स। अब तक हमने ये समझा कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज, दैट इज नेचुरल फिनोमिनाज को डिस्कस करने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटीज की फॉर्म में नेचुरल फिनोमिना के प्रिंसिपल्स को, दैट इज नेचर के प्रिंसिपल्स को एडजस्ट करते हैं। तो अब उन फिजिकल क्वांटिटी का कैटेगराइजेशन समझेंगे कि कैसे उनको हम कैटेगराइज करेंगे। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, है ना। हमारे पास 3 बेसिक पार्ट्स हैं जिनमें हम उसको डिवाइड करते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। ठीक, पहली क्वांटिटी होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड होती है वेक्टर और थर्ड होती है टेंसर, है ना। तो देखो अब तक जो फिजिकल क्वांटिटीज है जो नेचर के प्रिंसिपल्स को हम फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में अगर हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको उनकी नेचर के बेसिस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप की क्वांटिटीज होती है स्केलर। स्केलर कैटेगरी की वो क्वांटिटीज होंगी जिन स्केलर जिनका ओनली मैग्नीट्यूड, दैट मीन एक तो मैग्नीट्यूड होगा और इन्हें डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन नॉट रिक्वायर्ड होगी। नॉट रिक्वायर्ड क्या? डायरेक्शन, दैट इज इसका हमारे पास कोई जरूरत नहीं है हमें डायरेक्शन की, या ये फिजिकल क्वांटिटी वो होगी जिनके अंदर डायरेक्शन मेंशनड नहीं हुआ करती। क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड कैरी करेंगी, ऐसी क्वांटिटीज हमारी क्या कहलाएंगी, स्केलर क्वांटिटी कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल दिया जैसे स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर एटसेट्रा, ये सभी क्वांटिटीज हमारे पास कैसी होंगी, स्केलर कैटेगरी की होंगी। देखो मेन चीज है ये तो आप बुक्स में भी लिखी हुई मिल जाएगी कि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ मैग्नीट्यूड होता है और इनमें कोई डायरेक्शन कैरी नहीं करता, ये एग्जांपल है। आप देखो जनरल चीजें हैं, जब स्केलर क्वांटिटीज होंगी तो नॉर्मल रूल ऑफ एलजेब्रा को फॉलो कर सकती है, दैट मीन ये क्वांटिटी इजिली एड और सब्ट्रैक्ट डिवाइड होंगी नॉर्मल रूल्स ऑफ, कॉमन रूल्स ऑफ एलजेब्रा।
दैट इज एलजेब्रा की जनरल रूल्स जो अब तक आपने पढ़ रखे हैं उन्हीं के थ्रू इनको इजीली ऐड किया जा सकता है, सबट्रैक्ट किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है और मल्टीप्लाई किया जा सकता है। किन क्वांटिटीज को, स्केलर क्वांटिटीज को किसके थ्रू ऐड और सबट्रैक्ट होंगी, एलजेब्रा के थ्रू। और एलजेब्रा क्या है वो आप प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से समझ चुके हो। अब देखो हम दूसरी कैटेगरी में जाते हैं। एक अब हमारे पास कैटेगरी आती है वेक्टर, है ना। आप देखो इसके साथ ये वेक्टर की डेफिनेशन अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो वेक्टर्स वो क्वांटिटी होंगी जिनमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। एक तो मैग्नीट्यूड कैरी करेगी और इनको डिस्क्राइब करने के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन रिक्वायर्ड होगी, डायरेक्शन भी होगी रिक्वायर्ड रहेगी कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। दैट मीन मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो क्या हमारा डेफिनेशन हमारे बुक्स में हमने लिख दिया कि दीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ऐसे लिख करके डेफिनेशन खत्म नहीं होता। इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट और रखना होता है। क्यों, आप देखो हमने कहा कि करंट है, करंट में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन उसकी हमें पहले से ही पता होती है कि करंट फ्लोज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल या पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, है ना, हैव दिस डायरेक्शन। तो क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, करंट तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। फिर उसने इस डेफिनेशन को तो फिर फॉलो नहीं किया, इसका मतलब फिर वो वेक्टर नहीं है, इसका मतलब या तो ये डेफिनेशन रॉन्ग है। तो फिर हम इसमें क्या करते हैं कि एक पॉइंट और ऐड करते हैं कि दीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड दे ओबे वेक्टर लॉ। उसको वेक्टर लॉ को भी ओबे करना चाहिए, ओबे द वेक्टर लॉज। इसका मतलब अगर ये तीनों केसेस पर तीनों में क्या करती है, जस्टिफाई करेंगे तो ऐसा पॉसिबल, तब हम कहेंगे दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। ये कंपलसरी है, एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए, तीसरा उसको ओबे द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन वगैरह जो वेक्टर्स के रूल्स है उनको फॉलो करना चाहिए। अगर ऐसा होगा देन वी कैन से दैट दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हमने एग्जाम्पल लिया जैसे स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम एटसेट्रा, ये सभी क्वांटिटी हमारे किस कैटेगरी में जाएंगी, वेक्टर कैटेगरी में। तो आपको देखो लर्न क्या रखना होगा, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको लर्न करके रखने होंगे, है ना। आप कभी क्रैम नहीं करोगे, आप अपने माइंड में ये सोचो कि कोई भी कैटेगराइज जब कर रहे हो किसी क्वांटिटी को तो उस क्या वो तीनों को ओबे कर रही है, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ये तो नॉर्मली क्वांटिटीज के पास हो गई, डायरेक्शन भी कैरी कर रही है। और फिर अगर उन दोनों को भी करने के बाद अगर वो डायरेक्शन भी कैरी करेगी तभी हम कहेंगे कि दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, अदरवाइज उसको स्केलर कैटेगरी में जाना होगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं टेंसर्स। बेसिकली टेंसर्स को हम ज्यादा नहीं समझते लेकिन एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं शॉर्ट में। तो टेंसर में क्या होती है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी, लेकिन डायरेक्शन का रोल होगा। ये कंट्रावर्शियल है, दैट मीन हमने उन्होंने कहा कि एक तो डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होगी लेकिन डायरेक्शन का रोल होगा, दैट मीन ए रोल ऑफ डायरेक्शन, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन बट क्या होगा, ए रोल ऑफ डायरेक्शन। अगर ऐसा होगा तब हमारी क्वांटिटी किस कैटेगरी में जाएगी, टेंसर में। और इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगी वो टेंसर क्वांटिटी होती है। इस तरह से हम क्वांटिटीज को कैटेगराइज कर सकते हैं थ्री कैटेगरी में। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेल कैसे हमने क्वांटिटीज को कैटेगराइज किया है। अब देखो वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन वगैरह हम प्रॉपर लेते हैं,
अब तक हमने वेक्टर का डेफिनेशन डिस्कस कर लिया, अब हम वेक्टर्स को आगे लेके जाते हैं, इलैबोरेट करते हैं थोड़ा सा। तो देखो इलैबोरेट करने के लिए अब हमारे पास एक डिफरेंट नेचर की क्वांटिटीज आ गई। हमने ये समझ लिया कि मैग्नीट्यूड होगा इसके साथ और क्या होगी, डायरेक्शन होगी, प्लस ओबे करेगा किसको, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर ऐसा होगा तो इक्वल टू आपको जो मिलेगा दैट क्वांटिटी इज वेक्टर। ऐसे लिख सकते हो, क्वेश्चन की फॉर्म में आपको लिखना है तो डेफिनेशन को ऐसे हम कवर कर लेंगे, है ना। अब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ए वेक्टर इस तरह से लगाएंगे, ठीक। अगर जैसे हमको वेलोसिटी लिखना है तो वेलोसिटी ऐसे, मैं जैसे आपको फोर्स लिखना चाहता हूं तो एफ ऐसे। इस एरो का ये मीनिंग नहीं समझना कि इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है जिधर एरो लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये एक सिंबल है, ये बताता है कि जो क्वांटिटी यहां लिखी गई है ये वेक्टर कैटेगरी की है, दैट इज इसके ऊपर सभी वेक्टर लॉज एप्लीकेबल होंगे, ना कि कोई स्केलर लॉ, इस पर लागू नहीं होगा स्केलर लॉ। ऐसे ही एरो लगाने का मीनिंग है, आपको दिमाग में ये फ्रेम हो जाना चाहिए, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड ऑल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आर एप्लीकेबल, दैट इज सब कुछ वेक्टर वाला एप्लीकेबल होगा। आप कभी इसको ऐसे मत लिख लेना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सर हम इसको ऐसे भी लिख लेते तो ऐसे इसकी डायरेक्शन होती, तो ऐसे नहीं, दिस इज नॉट, ये सिंबॉलिकली ट्रू नहीं है, आप ऐसे नहीं लिख सकते इसको। और वेलोसिटी जैसे है ऐसे इसको भी नहीं लिख सकते आप, दिस इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, आप रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक। इसके बाद हम ये समझते हैं कि ज्योमेट्रिकली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो देखो एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो टेल होता है। जैसे मैं ए वेक्टर लिखना चाहता तो ये उसका टेल होगा, यहां तक ये उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, दिस लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और यहां पर हम जिधर उसका एरो लगाएंगे ये वाला एरो डायरेक्शन बताएगा कि ये नॉर्थ में डायरेक्टेड है, साउथ में डायरेक्टेड है, ईस्ट में डायरेक्टेड है, वेस्ट में डायरेक्टेड है, किस साइड में डायरेक्टेड है। आपको ऐसे जैसे मैं इसको P लिख लेता हूं, इसको Q लिख लेता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं PQ वेक्टर, और जो A वेक्टर के ऊपर है तो ये एरो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, दिस ये वाला, और इसको बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, ये वेक्टर का हेड होगा, ठीक, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो एक तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ये वाली रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग होती है, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। वेक्टर के इस पार्ट को टेल बोलते हैं, इस पार्ट को हेड बोलते हैं, और ऐसे हम उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन समझ लो, या हमारी लाइन है उसका स्ट्रेट लाइन जो है इटसेल्फ, है ना, याद रहेगा कोई दिक्कत, ये वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन होगी और उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर रही होगी, रिप्रेजेंट कर रही होगी वेक्टर के। अब देखो कैसे आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम कुछ कॉमन वेक्टर्स की डेफिनेशंस को डिफाइन करेंगे, कुछ कॉमन वेक्टर्स लेते हैं। और देखो सबसे पहला वेक्टर यूज करते हैं, कॉमन वेक्टर्स हैं, कॉमन वेक्टर्स, और पहला वेक्टर हम यूज करेंगे और उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। देखो क्या होगा इक्वल वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर या टू और मोर वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होते हैं वो इक्वल वेक्टर बोले जाते हैं। जैसे ये ए वेक्टर है, फाइन, और बेटा ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, हमने कहा कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, दोनों सेम होंगे, ऐसे दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर बोले जाएंगे, है ना। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर,
देखो इसका एक और भाई है, इसी के साथ इक्वल वेक्टर के साथ हम बोल सकते हैं पैरेलल वेक्टर, इसी के साथ यूज करना चाहे तो देखो इसमें ये ए वेक्टर अगर ये है और ये अगर हमारा बी वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर, तो देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है गौर से देखेंगे तो इन दोनों में हमने डिफरेंस देखा कि ये जो लाइन है ये अलग अलग है, इट मीन इसका मैग्नीट्यूड लार्ज है और इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है लेकिन डायरेक्शन सेम है, ऐसे वेक्टर्स हम क्या बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। इसका मतलब सभी इक्वल वेक्टर पैरेलल होंगे लेकिन सभी पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होते, दैट मीन ये दो हमने कहा था दी जाता है इक्वल वेक्टर और ये इक्वल है तो ये पैरेलल होंगे ही होंगे, लेकिन ये पैरेलल वेक्टर है तो जरूरी नहीं है वो इक्वल वेक्टर हो, इट मीन उनका अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी वो इक्वल कैटेगरी में जाएंगे। तो एक कॉमन वर्ड आपने डिस्कस कर लिया बॉब, व्हाट आर पैरेलल वेक्टर्स एंड व्हाट आर द इक्वल वेक्टर्स याद रहेगा। अब इसका एक और सबऑर्डिनेट पार्ट है, इससे मिलने वाला एक और छोटा सा पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। तो एक और पार्ट लेते हैं, हमने कहा नेगेटिव वेक्टर और ऑपोजिट वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर कौन से होंगे और ऑपोजिट वेक्टर्स कौन से होंगे, समझो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड इज सेम है ना बट डायरेक्शन इज डिफरेंट या फिर डायरेक्शन इज अपोजिट। अगर ऐसा होगा तो वो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे या अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे। देखो ऐसे ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, ऐसे वेक्टर्स हमारे नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर होंगे। अब इसमें भी एक वर्ड आता है एंटी पैरेलल वेक्टर, देखो ये अगर हम ये ले लेते ये कोई ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अब इसमें अंतर क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो ये दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर बोल सकते हो आप, दीज आर एंटी पैरेलल वेक्टर। इनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है इस केस में। थर्ड टाइप के वेक्टर्स और ले सकते हैं, देखो थर्ड कैटेगरी में हम बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं को इनिशियल, एक होता है को प्लेनर, एक होता है को टर्मिनस, को टर्मिनस को इनिशियल को प्लेनर और एक होता है को लीनियर, इसे भी एक साथ ले लेते हैं को लीनियर। देखो बहुत सिंपली यहां समझ सकते हो आप, यहीं पे हम कंप्लीट कर लेंगे। देखो को वर्ड का मतलब है सेम से यूज करेंगे, कॉमन से यूज कर रहे होंगे, ऐसे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट कॉमन होते हैं वो सभी वेक्टर को इनिशियल कहलाते हैं। इनका एक और नाम होता है कॉन्ग्रेंट वेक्टर, दैट मीन जैसे को इनिशियल वेक्टर है हमारे पास तो को इनिशियल में क्या होगा, जैसे ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर, इनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम है सभी, देखो तो ऐसे वेक्टर्स हमारे क्या कहलाएंगे को इनिशियल वेक्टर, इनको कॉन्ग्रेंट भी बोलते हैं और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों वर्ड्स को यूज कर सकते हो आप। एक वर्ड होता है कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर्स का क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं वो कोप्लेनर होंगे, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये सभी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, इस ब्लैक बोर्ड वाले प्लेन में लाई कर रहे हैं, दैट मीन दीज आर द कोप्लेनर वेक्टर्स है ना। ये क्या करते हैं,
इनिशियल पॉइंट सेम होता है इनका, सेम होता है इन वाले वेक्टर्स का, इन वाले वेक्टर्स का प्लेन सेम होता है, सेम प्लेन होगा। इन वाले वेक्टर्स में क्या होता है, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट पर आकर टर्मिनेट होते हैं वो फोर टर्मिनस कहलाते हैं। जैसे ये इस पॉइंट पे आके टर्मिनेट कर गया, ये इस वाले पॉइंट पे आके टर्मिनेट कर जा रहा है, ऐसे ये भी टर्मिनेट कर रहा है अपने पॉइंट पर। अगर ऐसा होगा तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, कोटर्मिनस वेक्टर। टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम होता है या एंडिंग पॉइंट सेम होगा। याद रहेगा, अब देखो को लीनियर में क्या होता है, को लीनियर में सभी वेक्टर एक ही लाइन में लाइक करते हैं, लाइक इन सेम लाइन। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे को लीनियर। ठीक, ऐसे ये हमारे वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोलीनियर। तो देखो ये वाले पॉइंट्स आपको समझना बहुत आसान है, इसको हम इजीली समझ सकते हैं। को वर्ड से आप समझ जाओगे, को इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट सेम, को प्लेनर सेम प्लेन में, को टर्मिनस एक ही पॉइंट पर टर्मिनेट करने वाले, कोलीनियर एक ही लाइन में लाई करने वाले, ये वेक्टर्स हमारे क्या कहलाएंगे, कोलीनियर वेक्टर कहलाएंगे। ये कुछ कॉमन वर्ड्स है, कुछ और कॉमन वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। एक और वर्ड यूज होता है को पोलर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमको पता होते हैं, दैट इज डिफाइंड होते हैं, या स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, ठीक है, या एंडिंग पॉइंट पता हो, या दोनों पॉइंट्स पता हो, ऐसे वेक्टर्स हमारे क्या कहलाएंगे, पोलर वेक्टर कहलाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए या फिर एंडिंग पॉइंट होना चाहिए या फिर बोथ, दोनों होने चाहिए। नोन होते हैं, अगर ऐसा होगा तो हमारे वेक्टर पोलर वेक्टर कहलाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा, जिनके हमको ये पता नहीं होते, वो नॉन पोलर वेक्टर या एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं। नॉन पोलर और एक्सियल वेक्टर, ज्यादा एग्जैक्ट एक्सियल वेक्टर से हम ज्यादा अच्छे से समझते हैं। एक्सियल वेक्टर इनके क्या होंगे, इनके हमको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स नहीं पता होते, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स नहीं पता होते। अगर ऐसा नहीं है तो जो वेक्टर्स होंगे उन वेक्टर्स को हम बोलते हैं क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर। अननोन होंगे उनको हमने कहा है दीज आर एक्सियल वेक्टर। दैट इज एग्जांपल आप ले सकते हो सर्कुलर मोशन में जो वेक्टर्स यूज हो रहे हैं, जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी एटसेट्रा। ठीक है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन तो आपको पता होगी लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स नहीं पता होंगे। ऐसे वेक्टर्स हमारे एक्सियल कैटेगरी के होते हैं, और पोलर जिनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता होते हैं। इसके बाद एक और वेक्टर यूज होता है नल वेक्टर। नल वेक्टर में क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए भाई। और अगर जीरो होगा, दूसरा एक आर्बिटरी डायरेक्शन को कंटेन करेगा, डायरेक्शन आर्बिटरी होगी, दैट इज जीरो मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा ए वेक्टर में से आप माइनस ए वेक्टर को ऐड कर दो, तो आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर, सबट्रैक्ट करोगे तो बिकम जीरो। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। That mean, जिनके पास मैग्नीट्यूड जीरो होगा। और याद रखना दो वेक्टर्स में से सबट्रैक्ट होने पर एक वेक्टर बचता है,
ऐसा नहीं हो सकता, दो वेक्टर्स में से दोनों वेक्टर सब्ट्रैक्ट करें और जीरो बचता है, वो भी एक वेक्टर होगा, याद रखना इस पर, ठीक है। नल वेक्टर एक पॉइंट और ले लेते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर। उससे पहले एक वर्ड ले लो, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होता है वो पोजीशन वेक्टर कहलाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो वेक्टर हमारा क्या माना जाएगा, पोजीशन वेक्टर। जैसे ये हमारा कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोई ए वेक्टर है जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन ओ से स्टार्ट हो रहा है, यह उसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। इस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है ये वाला वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर होता है। और दो पॉइंट्स के बीच में एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, दो वेक्टर्स की पोजीशन, जैसे मैं ये ले लेता हूं, ये हमारा पी वेक्टर, ठीक, ये दोनों तो माने जाएंगे। एग्जाम्पल हमने ले लिया ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये तो हमारे माने जाएंगे पोजीशन वेक्टर। और अगर मैं इन दोनों के बीच का इस वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, इसको आर वेक्टर मैंने ले लिया, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आर को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये दोनों हमारे क्या है, पोजीशन वेक्टर, ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर्स। ये आपका इंट्रोडक्शन है वेक्टर्स का, दैट इज कॉमन डेफिनेशंस हैं, कॉमन वर्ड्स हैं, इन कॉमन वर्ड्स की क्या मीनिंग होती है हम वेक्टर्स में इनिशियली इन वर्ड की वर्ड मीनिंग हमने डिस्कस की, किस वेक्टर का क्या मीनिंग हुआ करता है। इसके बाद हम वेक्टर्स की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि कैसे वेक्टर्स कैलकुलेट होते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि वेक्टर्स क्या है, हमारे पास वेक्टर्स कैसे, हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, मतलब कैसे किस तरह के वेक्टर्स हुआ करते हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स वी हैव फिनिश्ड।